सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद चांद सिद्दीकी, जो समाजवादी पार्टी के एक नेता व कार्यकर्ता है। वहीं वर्तमान में उनकी पत्नी शिवा चांद सिद्दीकी जानकीपुरम प्रथम वार्ड से सपा पार्षद के पद पर कार्यरत है। वहीं एक बार फिर चुनावी मैदान में शिवा चांद सिद्दीकी उतरी है। पार्षद पद के लिए प्रबल दावेदारी कर रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं मोहम्मद चांद सिद्दीकी और उनकी पत्नी शिवा चांद सिद्दीकी का प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। जी थैंक यू, धन्यवाद। शिवा जी, आप पार्षद पद के लिए फिर से दावेदारी कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमने 10 सालों में बहुत विकास किया है क्षेत्र का, और 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में लेके ही मैं क्षेत्र में जा रही हूँ। जनता से मुझे बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है और जनता चाह रही है कि मैं फिर से आऊँ। हमारे साथ मोहम्मद चांद सिद्दीकी भी मौजूद हैं। चांद जी, आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली राजनीति तो 2006 से, हम 2012 से जब मैं पहली बार हमारे क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को मिल करके ये कहा कि भाई क्षेत्र का विकास, क्योंकि हमारा लखनऊ शहर का अंतिम वार्ड है, तो क्योंकि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था तो 2012 में, क्योंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोगों ने ये कहा कि भाई आप अगर खड़े हों तो क्षेत्र का कुछ विकास बेहतर कर सकेंगे आप। क्योंकि मैं समाज सेवा में पहले से रहा हूँ, लोगों की, जब मैं पार्षद नहीं भी रहा था तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते पानी की समस्याएं बहुत थी, तो पानी के लिए हम लोगों के यहाँ अपने निजी धन से मैंने समरसेबल बोरिंगें कराई और टंकियाँ लगवाई, तो लोगों को उम्मीद लगी कि जो है अगर आप खड़े होंगे तो क्षेत्र का बेहतर विकास कर पाएंगे। तो उसी उद्देश्य को लेकर के जनता ने मुझे 2012 से और 17 के बीच में मुझे पार्षद बनने का मौका मिला जनता के उसे। जी चांद जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? देखिए, मार्गदर्शक मेरे तो, देखिए, एक अखिलेश जी के साथ मैं जुड़ा रहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, एक मार्गदर्शन के रूप में उन्हीं का हम लोगों को मिलता रहे, उन्हीं को देख करके हम लोगों ने राजनीति शुरू की और आज भी उन्हीं के जो है पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक विजन था कि प्रदेश का विकास हो, और वैसे ही मेरा भी एक विजन है कि हम अपने वार्ड का विकास करें, हमारा वार्ड भी जो है पूरे लखनऊ शहर में और प्रदेश भर में सबसे अच्छा वार्ड हो। आपके राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? चुनौतियां तो देखिए, राजनीतिक व्यक्ति के बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं, जैसे हम बेहतर काम करते हैं या क्षेत्र में जब हमारा एक नाम हो जाता है, लोग जानने लगते हैं, और एक अच्छे काम, जब हम अच्छा काम करने लगते हैं तो प्रतिद्वंदी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बेमज़े के जो होते नहीं, बेमज़े के दुश्मन बन जाते हैं। तो कोशिश यही है कि हम लोग, हमारा मेन फोकस रहता है कि हम क्षेत्र में विकास करें और केवल काम करें, और दूसरी चीज़ों पे मेरा बिल्कुल ध्यान कभी नहीं रहता है। हमारा एक उद्देश्य रहा है 2012 से और अभी 2022 तक कि हम अपने क्षेत्र का, किन किन जगहों में ज़रूरत है उन क्षेत्र का विकास करें हम। आप समाजवादी पार्टी से नाता रखते हैं, अब तक का अनुभव कैसा रहा आपका? समाजवादी पार्टी का अनुभव मेरा 2012 में जब सरकार बनी और मैं उसके बाद मैं पार्षद बना, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ से भी ऊपर के काम मैंने अपने जानकीपुरम क्षेत्र में कराए। मेरे यहाँ, क्योंकि लखनऊ का अंतिम वार्ड था और अंतिम वार्ड होने के नाते अनडेवलप्ड एरिया था, ग्रामीण गांव बहुत थे, तो समाजवादी पार्टी की देन थी और माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी जो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ और डेवलपमेंट हुआ।
जानकीपुरम प्रथम वार्ड से सपा पार्षद के पद पर काबिज हैं, एक बार फिर से दावेदारी कर रहे हैं। अभी वार्ड में आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, हम लोगों ने जो काम किया है वो काम, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी और बहुत कच्ची सड़कें थी और लोगों का आवागमन एकदम पूर्णतः बाधित था, तो उन सड़कों को हमने बनाया क्षेत्र में। और हमारे यहाँ लगभग 32 पार्क थी वार्ड के अंदर, उन पार्कों को मैंने सौंदर्यीकरण कराया। एक दो पार्क बची हैं हमारी, बाकी लगभग सारी पार्कें हमने बना दी। और उनमें कई पार्कों में मैंने ओपन जिम भी लगाए हैं, जो लोग अपना मॉर्निंग वॉक के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते हैं खुली हवा में, तो उनके लिए मैंने एक ओपन जिम भी बनाया मैंने। और कई ऐसे पार्क हैं जो एक उदाहरण के तौर पे मैंने बनाई हैं, 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए एक एक पार्क में मैंने लगाया है, जो शायद कई वार्डों में नहीं है। 32 पार्क हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमी थी, हमारे यहाँ गरीब बच्चे थे, ग्रामीण क्षेत्र रहा हमारा, क्योंकि मणियाओं गांव जो जानकीपुरम में एक बड़ा गांव है जिसकी वोटर लगभग 10,000 है, आबादी कम से कम हमको लगता है 15,000 की होगी। यहाँ भी कोई भी एक अच्छा स्कूल नहीं था। तो जब 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि हमारे गांव में शिक्षा का बहुत अभाव है और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लड़कियां हमारे यहाँ की गांव की बाहर जा नहीं पाती क्योंकि किसी के पास सुविधाएं नहीं हैं गाड़ी की। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, हमने कहा एक स्कूल बना दीजिए। तो उन्होंने एक अभिनव मॉडल स्कूल, जो पूरे प्रदेश में दो स्कूल बने हैं, एक सैफई में और एक हमारे गांव में, अभिनव विद्यालय। तो एक ऐसा स्कूल जहां पे गरीब बच्चे बेचारे टाट बोरी पे बैठ के पढ़ते थे, उन बच्चों को आज कुर्सियों पे बैठ करके पढ़ने का मौका मिला है। स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तो इस तरीके का भी मैंने काम किया है, जो एक पार्षद लेवल का नहीं होता है, एक विधायक लेवल का काम होता है, वो हमने काम किया अपने क्षेत्र में। जैसा अभी आपने बताया कि आपने अपने वार्ड में तमाम काम किए, तो क्या इसके लिए आपको फंड मिला था? नहीं, फंड क्योंकि देखिए हम लोगों की पार्षदों की एक पार्षद निधि होती है, वार्ड विकास निधि, लगभग 1-1.25 करोड़ रुपए निधि होती है हम लोगों की, उसमें GST काट करके। तो उस निधि के अलावा हम लोगों के पास कई फंड रहते हैं, अवस्थापना निधि रहती है, नगरी सड़क सुधार का बजट रहता है, 15वां वित्त का बजट रहता है, तो कई सारे फंड हैं जो हम जनता से टैक्स लेते हैं और जनता के लिए वो काम करते हैं। तो वो जनता का ही पैसा होता है जो जनता के बीच में लगता है, और फंड अलग से, क्योंकि जब सरकार रहती है तो जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्योंकि उस समय काम हो रहे थे, इस समय तो केवल बातें हो रही हैं। आप जैसे आज भी देखिए, आप लखनऊ शहर को बताया गया है कि सबसे स्वच्छ शहर है, मगर आप जब निकलेंगी तो आपको सूरत दूसरी देखने को मिलेगी। भाई आप हमारे यहाँ जैसे गांव जोड़ दिए गए हैं और सफाई कर्मचारी हम लोगों के यहाँ अभी भी कम है, तो सफाई व्यवस्था हम लोग नहीं उतनी बेहतर कर पा रहे हैं उनको। भाई मैन पावर हमारे पास होगी तभी बेहतर हम लोग सफाई कर पाएंगे, मगर क्योंकि इस सरकार में केवल खोखले दावे हैं, काम के नाम पर पे कुछ नहीं है, बस ये है कि हम लोगों की अप्रोचेज अच्छी हैं, इसलिए हम लोग अपना किसी न किसी तरीके से काम हम लोग करा लेते हैं क्षेत्र में। जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? देखिए, मेरा एजेंडा 2012 में भी केवल काम था और विकास था, और आज भी केवल काम और विकास ही है। हमारे पास केवल एक ही एजेंडा है, उसी एजेंडे को लेकर के मैंने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं, जो विकास किया है, जो जनता की पर्सनल समस्याओं को, मतलब एक काम के साथ साथ लोगों की पर्सनल समस्याएं, रात में किसी की, ग्रामीण क्षेत्र है और गांव हम जिस जहां पे रहते हैं वो गांव है, तो छोटी छोटी समस्याएं रहती है, थाने से संबंधित, तहसील से संबंधित, नगर निगम से संबंधित, तो उन समस्याओं को भी हमको जाकर के रात में भी जाना पड़ता है निस्तारण कराने के लिए। तो लोगों के बीच में हमने केवल एक ही एजेंडा बनाया है, केवल काम और काम, काम के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं और काम ही के नाम पे क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं, और बहुत अच्छा समर्थन भी लोगों का मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो काम छूट गए हैं हमें उम्मीद है केवल आप ही करा पाएंगे और कोई नहीं करा पाएगा। तो ऐसे कौन से काम हैं जो अभी छूट गए हैं जिनको आप कराना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ कुछ तालाब हैं,
जिसमें पानी भरा रहता है, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे शहर में और पूरे प्रदेश के अंदर चिकनगुनिया और डेंगू की महामारी फैली हुई थी, तो उसमें एक मुख्य कारण गांव के तालाब भी थे, क्योंकि गांव के तालाबों में बारिश के बाद में तालाबों में पानी इकट्ठा रहता है। उन तालाबों को सौंदर्यीकरण करा करके, उसमें एक बढ़िया सा ट्रीटमेंट प्लांट बना करके, उनको ट्रीट करके गंदे पानी को निकालना, साफ पानी स्वच्छ उसमें रखना, क्योंकि गांव का क्षेत्र का वाटर लेवल भी ठीक रहे। हमारी प्राथमिकता है कि गांव के कॉलोनी के जितने भी तालाब हैं उनको पार्क के रूप में विकसित करना, उनको ऐसा तालाब बनाना जिसमें लोग आकर के टहल घूम सकें, बच्चे वहां पे जा सकें। एक पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है। और जो हमारी सड़कें क्षेत्र में रह गई हैं पिछले 10 सालों में, क्योंकि हमारा क्षेत्र बढ़ता गया, इस बार भी बढ़ गया है क्षेत्र, जब नया परिसीमन हुआ तो क्षेत्र बढ़ गया है, तो जो क्षेत्र बढ़ गए हैं और जो कच्चे एरिए रह गए हैं जो नए बढ़ाए गए हैं, उन क्षेत्रों में फिर से अच्छी सड़कें बनाना जो सड़कें बच गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आप अपने वार्ड में क्या कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ दो, वैसे तो शहरी क्षेत्र है मगर क्योंकि गांव में दो प्राथमिक विद्यालय थे, एक जूनियर बेसिक पाठशाला और एक कन्या पाठशाला, उन दोनों विद्यालयों को हमने अपने वार्ड विकास निधि से भी काम कराया है, उसमें टाइल्स लगवाई, रूम्स बनवाए, और अभिनव मॉडल स्कूल इस समय जो हमारे गांव का है वो बहुत बहुत अच्छा स्कूल है और हाईटेक है, स्मार्ट क्लासेस हैं, लगभग 2 फ्लोर का बना है, कम्युनिटी हॉल है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, और अच्छी स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, बहुत अच्छा स्कूल बनाया है, जो पूरे प्रदेश में 2 ही स्कूल हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा, मेरे वार्ड से ज़्यादा कहीं किसी ने काम नहीं किया होगा। युवाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं और आगे क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि नगर निगम बहुत बड़ी संस्था नहीं है, क्योंकि नगर निगम सफाई व्यवस्था और थोड़ा बहुत निर्माण का काम करती है, क्योंकि हम लोगों की इनकम टैक्स पे ही निर्भर करती है, तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। अगर सरकार मदद करती है तो हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। यूथ के लिए, नौजवानों के लिए बस यही है कि सरकार नौकरियां निकाले, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, उनके लिए नौकरी, सरकार को ऐसे अवसर तलाशने चाहिए जो नौजवानों को नौकरी मिल सके। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि हम उनका बस ये है कि सहयोग कर सकते हैं, किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, किसी को निवास बनवाना होता है, किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, तो उस स्तर पे उनकी जो भी हम मदद कर पाते हैं, किसी को अर्जेंट ज़रूरत होती है, जैसे कल नौकरी निकली है तो उनको आज अर्जेंट चाहिए, तो मैं उनका अर्जेंट सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ। ऑनलाइन सुविधा है हमारे ऑफिस में, मैंने जनता के लिए रख रखी है अपने कार्यालय में, सुबह 9 बजे से और शाम को हम लोग अपने कार्यालय पे 2 लड़के भी बिठा रखे और मैं भी बैठता हूँ, पार्षद जी शिवाचार्य सिद्दीकी जी भी बैठती हैं, तो हम लोग जनता के लिए बैठे रहते हैं। जो भी मदद नौजवानों की, हमारे यहाँ बुजुर्ग जो आते हैं उनकी पेंशन की व्यवस्था रहती है, जैसे कोई विकलांग आ गया उसकी पेंशन की व्यवस्था है, गरीब जो हमारे यहाँ जो बेचारे कच्चे मकान बने हुए हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनके लिए मैंने लगभग अपने वार्ड में कम से कम 200 घर मैंने कराए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। उन घरों में, जिन घरों में कभी आज तक ईंट भी नहीं लगी थी, उन घरों को मैंने पक्का मकान बनाया है, 2.5 लाख रुपए लोगों को दिलवाए हैं। कई विधवा विडो पेंशन हमारे यहाँ क्षेत्र की महिलाएं आती हैं जो विधवा हो चुकी हैं, उनकी पेंशन मैंने बनवाई है, क्योंकि समाजवादी पेंशन योजना बहुत सारी महिलाओं की चल रही थी, वो पेंशन बंद हो गई थी, तो फिर मैंने विधवा पेंशन के माध्यम से उनको लाभ दिलवाया है। बहुत सारी ऐसी पर्सनल मदद भी हम लोग लगातार, हम दोनों लोग मिलकर के करते रहते हैं क्षेत्र में। अगर हम आपके वार्ड की बात करें तो वहाँ पानी, बिजली और सफाई की कैसी व्यवस्था है? पानी के लिए मैंने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट पास कराया था, और गांव में यही पिछले 5 सालों में मैंने एक प्रोजेक्ट पास कराया था पानी का, जो डोर टू डोर घर घर पानी की सुविधा हम लोगों ने दे दी है, और कुछ क्षेत्र, कुछ कॉलोनी रह गई हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में उनको भी शामिल कर लेंगे। अधिकांश, मतलब 90% लोगों के घर तक पानी पहुंचा दिया है, और उसकी टेस्टिंग भी चल रही है, घरों तक पानी पहुंच भी चुका है, और उसके लिए टंकी भी बनाई, और मोहल्ले वाइज मैंने ट्यूबवेल भी बनाए हैं,
और स्वच्छ पानी हम लोगों को मिल रहा है। एक ट्रीटमेंट प्लांट भी हम बनाने जा रहे हैं, अभी मैंने जेई वगैरह आए थे उस पर, उसकी जांच वाँच कर गए हैं ज़मीन की, तो हम लोग एक सेंटर भी बनाने जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट प्लांट मतलब स्वच्छ पानी लोगों तक हम लोग पहुँचा सकें। आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए नेता तो ठीक है, जनता तो मानती है नेता है हम, मगर क्योंकि मैंने बस ये है कि डाउन टू अर्थ रहे और जनता के बीच में बने रहे, और तभी हमारी देखिए जनता के बीच में जब आप बने रहेंगे तो आप लोकप्रिय नेता बन जाएंगे, क्योंकि जनता से जब आप कि यही जनता आपको जिताती है और यही जनता आपको हराती है, और जब आप जनता के बीच में बने रहेंगे, छोटे छोटी मोटी समस्याएं उनकी, व्यक्तिगत समस्याएं, साफ़ सफाई की व्यवस्था, किसी को कुछ सड़क की समस्या है, किसी को सीवर की समस्या है, इन समस्याओं को आप अगर निस्तारण करते रहेंगे तो आप लोकप्रिय नेता बन सकते हैं। तो अगर जनता ने वही आपको एक बार फिर से मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, जो सबसे ज़रूरी काम होगा? देखिए सबसे अगर इस बार जनता मुझे मौका देती है, और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे मौका देगी, और क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम लोग डोर टू डोर शिवा चांद सिद्दीकी जी निकल रही हैं और जा रही हैं, अभी तो हम नहीं निकल पाए क्योंकि यही जा रही हैं, और लोगों की बहुत उम्मीदें हैं हमसे, हम लोगों से कि भाई हम लोगों ने पिछले 10 सालों में क्षेत्र का विकास किया है, तो लोगों को ये लगता है कि अगर कोई इस क्षेत्र का विकास कर सकता है तो वो चांद सिद्दीकी और शिवा चांद सिद्दीकी ही इस क्षेत्र का विकास कर सकती हैं, क्योंकि पिछले 89 से हमारा क्षेत्र नगर निगम में है, चार हमसे पहले चार पार्षद रहे हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया हमारे क्षेत्र में, काम के नाम पे कोई 1% भी काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र का। हम लोगों ने पिछले 10 सालों में जो क्षेत्र का विकास किया, उस विकास के नाम पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो प्राथमिकताएँ रह गई हैं, जैसे हमारी 2-3 पार्क हमारे रह गए हैं जिसमें हमें उनका सौंदर्यीकरण कराना है, बाउंड्री वॉल करा चुके हैं, और जो बड़े पार्क हैं हमारे क्षेत्र में उनमें ओपन जिम की व्यवस्था कराना, कि लोग अपना सुबह मॉर्निंग के लिए टहलने के लिए आए तो वहाँ एक्सरसाइज भी कर सकें, क्योंकि हमारे लिए आने वाले समय में जो हम लोगों ने कोविड काल देखा है और जो इम्यूनिटी सिस्टम की बात हुई कि हम लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें, उस के लिए हम लोगों ने एक सेहत को ठीक रहे तो लोग जो मॉर्निंग वॉक पर टहलने आती हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज के लिए कोशिश ये है कि जो जितने क्षेत्र में बड़े पार्क हैं उनमें ओपन जिम की व्यवस्था कराना, और जो तालाब हमारे क्षेत्र में तालाब है उनका सौंदर्यीकरण करा करके उनमें ट्रीटमेंट प्लांट बना करके उनको टहलने लायक बनाना, वहाँ पर लोग आ सकें, अपना समय बिता सकें। तीसरा हमारा ये है कि जो सड़कें हमारे यहाँ की रह गई हैं, क्योंकि गड्ढा मुक्त के नाम पे जो तमाशा चल रहा है वो मैंने देखा है और आप लोगों ने भी बहुत दिखाया है न्यूज़ के माध्यम से, मैंने आप लोगों की भी न्यूज़ें देखी हैं और मैंने देखा है गड्ढा नाम बताया कि 30 तारीख तक सारा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है। अगर आप अभी इसकी हकीकत निकलेंगी देखने के लिए तो न जाने कितनी सड़कें अभी बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, तो जो सड़कें हमारे क्षेत्र की रह गई हैं उन सड़कों को बनाना, यही हमारी प्राथमिकता है। आप पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, अपने कंपटीशन में किसे देख रहे हैं? देखिए अभी कंपटीशन में क्योंकि कोई कैंडिडेट तो हमारे सामने अभी आया नहीं है, कोई कैंडिडेट आए तो हम उसको कंपटीटर माने, अभी कोई कंपटीशन में हमारे सामने आ ही नहीं रहा है, और जनता का ऐसा समर्थन मिल रहा है, वो कह रहे हैं एक तरफा आप जीत रहे हैं क्योंकि आपने काम किया है, बस काम के नाम पे हम लोगों को जनता का समर्थन मिल रहा है, और जनता कह रही है कोई है ही नहीं जानकीपुरम में जिसने काम किया है, हम लोग उसी को वोट देंगे, जो काम जिनके यहाँ नहीं बना पाए, मतलब इतना अच्छा देखिए रिस्पांस मिल रहा है, जिनके यहाँ सड़कें हम नहीं भी बना पाए वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद आप ही से है क्योंकि आप ही काम करेंगे और हम वोट आप ही को देंगे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगे आप? अब ये विकास की गाथा हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में हम अपने क्षेत्र को ये चाहते हैं कि जैसे गोमती नगर जैसे क्षेत्रों को डेवलपमेंट बताया जाता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा जानकीपुरम भी एक विकास वार्ड के नाम से जाना जाए, और मैंने उस दिशा में काम भी बहुत किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक गाथा जानकीपुरम की जब बात होगी तो विकास के नाम पर केवल एक ही नाम
लिया जाता है, शीबा चांद सिद्दीकी और चांद सिद्दीकी। मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? प्राइम टीवी के माध्यम से हम जितने भी श्रोता और जितने भी देखने वाले लोग हैं, हम उनको यही आश्वस्त करेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में जो जो भी आदमी आपके पास आए वोट मांगने, जो भी समर्थन मांगने आए, केवल और केवल जाति धर्म पे अगर बात करें तो कोई बात ना करिएगा, केवल एक ही बात करिएगा, केवल और केवल विकास। आप क्या काम क्या करेंगे और आपने काम किया क्या है, केवल एक ही सवाल पूछिए। हम पूरे लखनऊ शहर और पूरे प्रदेश के लोगों से यही एक अपील करते हैं, केवल प्रदेश में अंदर यही एक उद्देश्य होगा तभी हमारा क्षेत्र डेवलपमेंट हो पाएगा, प्रदेश खुशहाल हो पाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई मोहम्मद चांद सिद्दीकी और उनकी पत्नी शीबा चांद सिद्दीकी से, जो एक बार फिर से पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रही हैं। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि क्या सपा उनको टिकट देगी या तो आने वाला वक्त बताएगा। नगर संग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।